नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों SSC MTS के 16 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और हमने कर लिए हैं फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं और आज से लेवल थोड़ा सा पेपर का बढ़ रहा है, ठीक है। मैंने एनालिसिस चूँकि करवाया है पिछले दिनों का भी और आज का भी करवाया, तो लेवल कुछ बढ़ गया। GS टफ हो गया है, मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो गया है, रीजनिंग वही स्तर रह रहा है, इंग्लिश भी मॉडरेट को छू रही है, ठीक है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आपसे कहा गया कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको पता होगा न्यूरोसाइंस कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, मैरी कॉम जो आपकी बॉक्सर हैं, बड़ी मतलब इंडिया को बहुत प्राउड मोमेंट दिए हैं उन्होंने, वो कहाँ की हैं? तो आपकी जो मैरी कॉम है बॉक्सर, आयरन लेडी हम मैं तो कहना चाहूँगा उनको, वो मणिपुर की हैं। कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। और इतना ज़्यादा गोल्ड जीता है, शी इज़ प्राउड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैरी कॉम कहाँ की हैं? मणिपुर की। पूछा गया था नील नदी कहाँ से होकर नहीं बहती, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन तभी हो सकता है जब आपको ऑप्शन दिए रहे हो, तभी बताया जा सकता है इसका सही उत्तर क्या होगा एग्जाम के लिए। लेकिन अगर पूछा जाए कहाँ से बहती है, तो आपका ये अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है, फिर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से होते हैं, कहाँ से निकलती है? अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से होते हुए सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से होते हुए युगांडा, इथियोपिया, सूडान और मिस्र से होकर बहती है। तो इनमें से जो कंट्री नहीं रहा होगा, मतलब मान लो युगांडा दे दिया गया, इथियोपिया दे दिया गया, मिस्र दे दिया गया, तो एक कोई और ऑप्शन रहा होगा, वही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कोई कह रहा था एक मुस्लिम कंट्री का नाम था, वही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नील नदी कहाँ से होकर नहीं बहती। अगर पूछा जाता बहती कहाँ से है, तो युगांडा, इथियोपिया, सूडान, मिस्र, अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से निकलकर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से होते हुए ये बहती है। आते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा गया रेपो रेट कम होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दो लोगों से मेरी बात हुई है, एक जन ने कहा रेपो रेट से 2 क्वेश्चन है, एक जन ने कहा रेपो रेट से 1 क्वेश्चन है। तो मैंने इसी वजह से रेपो रेट आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पिछले 3-4 शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है, तो मतलब लगातार नहीं लेकिन 2 से अभी तक मिला के 2-3 बार तो पूछा ही गया, रेपो रेट कम होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है अगर रेपो रेट कम हो जाएगा तो महंगाई आपकी कम हो जाएगी, और अगर रेपो रेट बढ़ गया तो आपकी महंगाई बढ़ जाएगी, यानी रेपो रेट और महंगाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रेपो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू महंगाई, दोनों रेपो रेट बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी तो रेपो रेट, ठीक है। आपसे कहा गया मुंबई इंडियंस जो IPL टीम है, जो इस बार 2019 की विनर रही है, उसके कोच कौन है? रोहित शर्मा इसके कैप्टन है, महेला जयवर्धने इसके कोच हैं। तो मुंबई इंडियंस के हेड कोच कौन है? महेला जयवर्धने। आपसे पूछा गया था स्टील में क्या नहीं होता, अब देखिए स्टील में आयरन होता है, कार्बन होता है और कई बार इसमें कुछ अशुद्धियाँ और मिलाई जाती हैं, लेकिन अब मेन रूप से आयरन और 1% कार्बन होता है, तो अब क्या ऑप्शन था उस पर डिपेंड करेगा। और अगर आपको कोई प्रश्न याद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा गया था संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मोदी जी को कौन सा अवार्ड दिया था, कौन सा पुरस्कार? देखिए अभी फिलीपींस वाला अवार्ड पूछा गया था, कौन स्कॉलर था वो भी पूछा गया था, अब आज पूछ लिया गया मोदी जी को UAE निकोस। तो मोदी जी को जितने अवार्ड मिले हैं वो जरूर पढ़ के जाएंगे। तो आपका जायद मेडल जो है वहाँ का UAE का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जायद मेडल, वो दिया गया है मोदी जी को। जायद मेडल UAE का हाइएस्ट या कह सकते सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है, भारत का जैसे होता है भारत रत्न, उसी प्रकार वहाँ का होता है जायद मेडल, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। और रीजनिंग में पूछा गया एक क्वेश्चन कि जैसे भारत दिल्ली तो लेबनान, अब इस ये समझ लीजिए GS का क्वेश्चन है। अब एक चीज़ बताइए लेबनान की राजधानी कौन रटता है, लेकिन पूछा गया तो लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। तो आप ये भी जान जाइए। अब वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया था, कोई आंध्र प्रदेश का था, तो आंध्र प्रदेश के मैंने 13 टोटल वन्यजीव अभ्यारण्य है, टोटल आपको बताने की कोशिश की है, आशा करता हूँ अच्छा भी लगेगा। कोलेरू पक्षी, नीलपट्टू, पुलिकट, कोरिंगा, नागार्जुन सागर, श्री वेंकटेश्वर, रोलापाडू, श्री लंका मलेश्वरा, कृष्णा वाइल्ड लाइफ, कौंडिल्या, गोंडला, पेन
पेनुशीला नरसिम्हा और आपका कम्बाला कोंडा, इसमें से कौन सा था ऑप्शन में आप ज़रूर बताइएगा। कि निम्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब कोई वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम दिया गया था, पूछा गया था किस प्रदेश से था, वो था आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश के जितने थे मैंने आपको बता दिया, बताइएगा कौन से था, कौन सा था इसमें से। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। आपसे कहा गया बेलन का आयतन व वक्रपृष्ठ का अनुपात 14:1 है, तो त्रिज्या या कुछ पूछा गया था। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई इंटू त्रिज्या अगर आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, और वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πRh। ठीक है, इसका अनुपात अगर 14:1 दिया गया है तो यहाँ से आपका आर से ये कट जाएगा, एस से ये कट जाएगा, सॉरी टू से नहीं, पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा आर बाई टू बराबर 14, यानी कि यहाँ से आपका आर बराबर आ जाएगा 28। अब r बराबर 28 आ गया तो आपको आधार क्षेत्रफल अगर पूछा गया होगा तो पाई r स्क्वायर करके निकाल लेंगे। अच्छा, अगर h दिया गया होता, h भी दे दिया गया होता तो आपसे कुछ भी पूछ लेता, आप आसानी से बता देते। तो आपका यहाँ से r बराबर 28 समझ लो दिया गया था। अब क्या पूछा गया था, त्रिज्या अगर पूछा गया होगा तो 28, अदरवाइज कुछ और पूछा गया होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ दिया रहा होगा तो आप आयतन भी निकाल सकते हैं, वक्रपृष्ठ यानी ऊंचाई दे दी गई होगी तो आप r 28 आपको पता है तो आप ऊंचाई निकाल सकते हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। टाइम एंड वर्क से कहा गया कि टोटल 2 या 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था कि ए कोई कार्य 42 दिन में करता है, ए और बी मिलके 21 दिन में करते हैं, तो बी कितने दिन में करेगा। सो सिंपल क्वेश्चन, ए 42 दिन में करता है, ए और बी मिलके 21 और 42 का एलसीएम 42, हम मान लेते हैं 42 टोटल वर्क था। अगर 42 टोटल वर्क था, ए 42 डेज में करता है, वन डे में 1 वर्क, ये ऐसे ए और बी मिलके 2 वर्क, अगर ए और बी मिलके 2 यूनिट करते हैं, ए अकेला 1 यूनिट करता है तो बी कितना करेगा 2-1 यानी कि 1 यूनिट। अब बी से पूछा गया कितने दिन लेगा, तो बी कितना दिन लेगा 42 टोटल है, 1 पर डे कर रहा है, तो टोटल डेज टेकन बाय हिम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन वर्क डन इन 1 डे, यानी कि 42 डिवाइडेड बाय 1 इट मीन्स 42 डेज। आते हैं अगले प्रश्न पे। कहा गया इफ द रेडियस ऑफ एन सिलेंडर इज इंक्रीज्ड ट्वाइस एंड हाइट इज डिक्रीज्ड एट इट्स हाफ, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज क्या पूछा गया है कि अगर बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए और उसकी ऊंचाई आधी कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, पहले वॉल्यूम इतना रहा होगा, लेकिन अब क्या किया गया है, अब कहा गया है त्रिज्या दुगुनी कर दी गई, यानी पाई इंटू त्रिज्या दुगुनी यानी 2r का होल स्क्वायर हो गया, इंटू ऊंचाई आधी कर दी गई यानी कि h बाई 2 हो गई, यानी कि अब आपका आयतन हो गया पाई इंटू 4r स्क्वायर इंटू h बाई 2, 2 से ये कट के 2 हो गया यानी कि 2πr स्क्वायर h। पहले आयतन था पाई आर स्क्वायर h, अब बढ़ के हो गया 2πr स्क्वायर h, यानी चेंज कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर h। अब पाई आर स्क्वायर h का कितना परसेंट है, 100%, तो आपका आंसर हो जाएगा 100% चेंज होगा। ठीक है, आते हैं अगले, मतलब 100% वृद्धि होगी। आते हैं अगले प्रश्न पे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति है जो परीक्षा में 30% मार्क्स पाता है, 30% मार्क्स पाता है और 5 अंक से फेल हो जाता है, ओवरऑल 45 अंक पाता है, इतना क्वेश्चन बताया उन्होंने। अब देखिए अगर वो 30% अंक पाता है, यानी कि एक्स का 30% पाता है, मान लो एक्स टोटल मार्क है उसका 30%, यानी कि 3/10 ऑफ एक्स पाता है, तो वो पासिंग मार्क से 5 नंबर कम, यानी कि फेल हो जाता है, यानी कि पासिंग मार्क से 5 नंबर कम है। और कहा गया अगर 45% अंक पाता है, यानी कि 9x/10 अगर पाता है, 9x/20 अगर पाता है वो, तो मान लो कि कितना दिया जाता है, 9x/20 पाता है, तो मान लो कि पासिंग मार्क से, पासिंग मार्क से कुछ परसेंट, मान लो एक्स परसेंट ज़्यादा पाता है। अब आपसे यहाँ पे कुछ भी, मान लो वाई परसेंट ज़्यादा पाता है, अब यहाँ से आपको कुछ भी निकालने को कह सकता है, मान लो यहाँ से एक्स को कैंसिल करने को कह दिया जाए तो इसमें भाग कर दीजिए। अब आपसे मान लो वाई की वैल्यू पूछी गई है तो आपको क्या करना होगा, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ 10 × 20 यानी कि 6/9 यानी कि 2/3 इजिकल टू हो जाएगा a-5/a+y। यहाँ पे अगर y की वैल्यू दी होती, यहाँ पे एक चीज़ और दिया होगा, ये y कितना ज़्यादा या कितना कम, तो आप आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन और दिया गया कि एक व्यक्ति कोई यात्रा 16 आवर में करता है, आधा समय कार से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, आधी बस से 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो दूरी कितनी है। ध्यान दीजिएगा, इसको दो तीन मेथड से कर सकते हैं लेकिन मैं सबसे ईजी बताऊँगा। देखिए अगर वो 16 की आधी यानी 8 आवर, अगर समय का आधा दिया रहा होगा तो 8 घंटे अगर 40 की स्पीड से चला और अगले 8 घंटे 60 की स्पीड से चला, यानी टोटल इधर चला 8×40, इधर चला 8×60
यानी कि 320 इधर चला, 480 इधर चला, टोटल 800 km ये चला। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, ऐसे भी निकाला जा सकता है कि अच्छा मान लो ऐसा दिया रहा हो कि 40 से चला 60 से चला, आपको पता है ये दोनों बराबर हैं, बराबर समय तक चला, यानी इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 40 प्लस 60 बाई 2 यानी कि 50। अब अगर 50 औसत चालोगे, 16 घंटे चल रहा है, तो यानी कि आपकी टोटल दूरी हो गई 800 किलोमीटर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा दिया रहा होगा कि आधी दूरी 40 के स्पीड से चलता है, आधी दूरी 60 के स्पीड से, क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आधी दूरी, तो आप मान लीजिए टोटल दूरी है 2x, ठीक है, आधी दूरी x दूरी 40 के स्पीड से चलेगा तो x बटे 40 समय लगेगा, प्लस आधी दूरी 60 के स्पीड से चलेगा x बटे 60 समय लगेगा, ये बराबर मान लो 16 दिया गया, तो इसका एलसीएम लेंगे 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, ये 16 हो जाएगा, और इधर 3x इधर 2x, यानी कि आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 गुणे 24, यानी कि आप 16 चौको 64, 16 दूना 32 और 6 अड़ते, तो 384 किलोमीटर हो जाएगा। अगर दूरी आधी, मतलब समय आधा लेता होगा, समय आधा लेता होगा तो कितना आ जाएगी दूरी 800 किलोमीटर। लेकिन अगर 800 नहीं आ रहा था आंसर में, कई जन कह रहे थे गलत है क्वेश्चन, तो हो सकता है 384 भी हो सकता है, हो सकता है ये कहा गया हो कि आधी दूरी, आधी दूरी मतलब कि अगर 2x टोटल दूरी थी, x बराबर हमारा आ गया 384, अब हमने टोटल दूरी कितनी मानी थी 2x, यानी कि यहां से आपका 2x बराबर हो जाएगा 768 किलोमीटर, तो आपका 768 भी आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। एक एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कहा गया एक परिवार ने दादा, एक परिवार में दादा दादी माता पिता व भाई बहन रहते हैं। 2 साल पहले दादा दादी की औसत आयु, जो दादा और दादी हैं इनकी औसत आयु कितनी थी, औसत आयु कितनी थी 76, 2 साल पहले, यानी कि अब कितनी होगी इनकी औसत आयु 78, 2 साल बाद 2 बढ़ जाएगी। कहा गया माता पिता की 1 साल पहले आयु, यानी कि फादर और मदर की आयु कितनी थी 32, कितने साल पहले 1 साल पहले, यानी कि अब इनकी औसत आयु हो गई 33। और कहा गया बच्चों की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, यानी बच्चों की वर्तमान औसत कितना है पहला और दूसरा चाइल्ड की, हो गया 12, ये औसत 12 है। अब देखिए इनका 78 है एवरेज, तो टू कुल कितना हो जाएगा 156, 2 से गुणा कर लेंगे, ये 33 है तो ये कितना हो जाएगा 66, 2 से गुणा कर लेंगे, और इनकी 12 है तो 12। अब आपसे औसत आयु पूछा गया, तो औसत आयु में कुल आयु बटे परिवार की संख्या 6 हो जाएगी, तो 6 से सब में भाग कर दीजिए, तो सब में भाग करिए या जोड़ के भाग करिए, हम सब में कर ले रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 6 × 2 = 12, 6 × 36 ये 11, ये 2 26, 11 37, 2 39, तो परिवार की औसत आयु 39 हो जाएगी। आपको कुल आयु बटे कुल लोगों की संख्या करके भी निकाल सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। कहा गया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 2, 4, 5, 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, 2, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा एलसीएम। अब अगर 60 एलसीएम हो गया तो आपको क्या करना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 × 9 लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 60 से, डिवाइड करिए 60 × 1 = 60, ये हो गया 39, ये हो गया 6 times फिर जाएगा 360 हो गया, फिर 39, फिर ये वाला 9 आ गया, फिर 6 times ये 360 हो गया, फिर 39 हो गया, फिर ये वाला 9 आ जाएगा, ये इधर वाला, फिर 6 times ये 360 हो जाएगा, फिर मतलब 39 बचेगा, फिर 6 times यानी कि 39 बचेगा, यानी कि आपका ओवरऑल कितना शेषफल बच रहा है एट लास्ट सब में 39, यानी कि इसको डिवाइड करने पे 39 शेष बच रहा है। इसका मतलब ऐसी संख्या जिससे जिसमें 60 से डिवाइड करने पे कम्प्लीटली डिविजिबल हो, वो इससे 60 कम होगी, यानी 60 घटा दीजिए इसमें से, तो कितना हो जाएगा 9,99,960, आपकी संख्या कितनी हो जाएगी 999,960, यानी कि 999,960 आपकी एग्जैक्ट नंबर हो जाएगी, जो 2, 4, 5, 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। आते हैं अगले प्रश्न पे। कहा गया था कि 10,000 रुपये पे 20% की दर से वार्षिक ब्याज पर, मतलब CI और SI का अंतर निकालना था। अब मुझे लग रहा है कि CI - SI 2 साल के लिए दिया गया था निकालने को, तो अब 2 साल के लिए अगर दिया गया होगा तो P × R/100 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो P आपको पता है 10,000 मल्टीप्लाइड 20/100 का होल स्क्वायर, यानी 1/5 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/5 × 1/5 जो 25, ये 4, तो आपका आ जाएगा 400 रुपीज़। अच्छा, अगर जिन्होंने क्वेश्चन भेजा अर्धवार्षिक ब्याज पे अगर साधारण ब्याज है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका किस पे है, CI पे है और अर्धवार्षिक है, तो आपकी दर कितनी हो जाएगी 10% और N बराबर हो जाएगा 4, तो सबसे पहले CI निकालेंगे 4 terms के लिए, तो CI बराबर हो जाएगा P यानी कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 + R/100,
यानी कि 10/100 यानी कि 1/10 के पावर 4, यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा 11 के पावर 4 आपका आ जाएगा ये। अब आपको निकालना है CI, तो इसमें से 10 के पावर 4, अरे आप मूलधन को चाहे 10,000 लिखें चाहे 10 के पावर 4 लिखें, तो घटाएंगे तो 11 के पावर 4 कितना हो जाएगा 121 × 121 माइनस गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1331 × 11 1,4641 माइनस 10,000 करेंगे यानी कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ जाएगा 4641। और दो साल के लिए आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 4,000 रुपये, तो दो साल के लिए अंतर आ जाएगा 641 रुपये। अगर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है और साधारण ब्याज वार्षिक संयोजित है तो ये आंसर आएगा, अदरवाइज आपका पिछला आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्लोज टेस्ट से दिया गया था, इंडियन का क्लोज टेस्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड था, जिन्होंने बताया उन्होंने कहा। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया गया था, मतलब इसमें डिजिट चेंज हो सकती है। कहा गया था ए मान लो एक्स दिन में करता है, बी वाई दिन में करता है, तो दोनों मिलके, अब ये तो बहुत सड़ा हुआ क्वेश्चन हुई पिछले जमाने वाला पैथोलिक एज वाला, एक्स इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई। दिस इज ऑल फॉर टुडे, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को करना है लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल, ऑफ म्यूजियम, वंदे मातरम, जय।